चलो अभी मैंने तुम्हें तीन केस मैंने बता दिया तुम्हें भी, एच एफ का, एच टू ओ का, एन एच थ्री का, वो याद रखना जरूर। एच एफ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यू। दोबारा बता रहा हूँ मैं ये, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये एच एफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, दूसरी एच टू ओ के अंदर, एच टू ओ ये रहा, एच टू ओ ये रहा, एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव है, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ये कंटिन्यूड आगे, और वो तो दोबारा भी बनाएगा, और तीसरी एन एच थ्री के साथ, एन एच थ्री, एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, एन पे थ्री नेगेटिव, दूसरा एन एच थ्री। यहां मैंने तुम्हें एक्सटेंट भी बता दिया, एच एफ का क्या एक्सटेंट है, दो, एक एच एफ को मतलब दो बनाना है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, एच एफ का दो एक्सटेंट है, एच टू ओ का चार, एन एच थ्री का दो, अगर प्रेशराइज करेंगे सॉलिड फॉर्म में तो छह, दो एम्पीयर देखना है और नेगेटिव चार्ज देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटेंट चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंट चेक कर सकते हैं, ये तीन भूलना नहीं होगी। और ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, एक एच एफ का मॉलिक्यूल ये, एक ये, एक एन एच, ऐसे बहुत सारे लिंक होंगे, यही ना इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम है डिफरेंट है, सेम है तो होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ध्यान ध्यान रहेगा कि नहीं है। और ऐसे ही अगर हेटरो करना है, जैसे मैंने बोला एच एफ तो पानी में सॉल्युबल है लेकिन एचसीएल सॉल्युबल नहीं है, या कम सॉल्युबल है, अगर एचसीएल भी सॉल्युबल होता तभी तो डायल्यूट एचसीएल होता है, लेकिन कम सॉल्युबल, एच एफ पानी में सॉल्युबल है लेकिन एचसीएल कम सॉल्युबल है, क्या बोलेंगे, एच एफ जो है वो पानी के साथ क्या बना लेगा, एच पे पॉजिटिव, एफ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, क्या बन गया यहाँ पे, देखो क्या बन गया यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच एफ का एच टू होगा, एच एफ का एच टू के साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ आया, तो एच एफ पानी में सॉल्युबल है, इसलिए एच एफ क्या, पानी में सॉल्युबल, याद रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की तो सेल्फ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना है, अगर मैं करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, विस्कोसिटी की, सरफेस टेंशन की, या फिर डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, या मतलब इस टाइप के कोई फोर्सेस से रिलेटेड बात है तो सेल्फ के साथ दिखाना है हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करता हूँ तो किसके दिखाना है, वाटर के साथ, सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर के साथ, तो इसे इसे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, इसे बोलेंगे हेट्रो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, एक एच एफ एक एच टू है, इसे क्या बोलेंगे, हेट्रो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई डाउट तो नहीं है, हेट्रो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो ये याद रखना, एच एफ पानी में सॉल्युबल क्यों है, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन, एमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, एमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट पीएच थ्री फॉर्म्स बबल्स इन वाटर, एमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट पीएच थ्री फॉर्म्स बबल्स इन वाटर, ये भव्य है, भव्य है, भव्य, यस सर। तूने वो 21 लेक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ कि नहीं है, सर करा तो था एक बार। पता है हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स था, एक बार देख, जैसे एच एफ है, मैं एक बार तेरे लिए दोबारा बता रहा हूँ, एच एफ है तो एच पे पॉजिटिव एफ पे नेगेटिव आएगा, दूसरा एच एफ मॉलिक्यूल होगा उसमें भी एच पे पॉजिटिव एफ पे नेगेटिव आएगा, समझ गया कि नहीं है, पॉजिटिव यस सर, नेगेटिव का बॉन्ड बन गया था बीच में, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, 12 से 44 किलो जूल पर मोल इसकी स्ट्रेंथ होती है, वीक बॉन्ड है बहुत, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत वीक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, 200 किलो जूल पर मोल से ऊपर होती है, क्लियर है कि नहीं है, भव्य, तो यस सर, यही चीज हम कर रहे हैं। अब एच एफ का, एच एफ के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इससे ये एक्स्ट्रा फोर्स आया, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, और मैं कहूंगा एच एफ इज सॉल्युबल इन वाटर, एच एफ इज सॉल्युबल इन वाटर, तब क्या बोलेंगे, एच एफ का एच टू ओ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एच एफ है, एच पे पॉजिटिव होगा, एफ पे पार्शियली नेगेटिव होगा,
इधर एच पे पॉजिटिव है, ओ पे टू नेगेटिव है और एच पे पॉजिटिव। तो एफ नेगेटिव का एच के साथ, पानी के एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए एच एफ जो है पानी में सोल्यूबल, इसलिए एच एफ क्या पानी में सोल्यूबल है। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या बोला मैंने, NH3, NH3 में एन के साथ एच आ रहा है ना, एफ ओ एन तीनों में से किसी एक के साथ अगर एच आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर मानते हैं या नाइट्रोजन से ज्यादा ही मानते हैं, फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। स्कूल का अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर है, साइज बड़ा होता है तो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज इसका क्लोरीन का बड़ा होता है तो लोन पेयर जो है ज्यादा वॉल्यूम पे होंगे, एन में तो कम वॉल्यूम पे सी पे है, लेकिन सीएल में क्या हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा वॉल्यूम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, इसलिए सीएल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं लेते बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो ये याद रखना, एच एफ सॉल्युबल क्यों है वाटर के अंदर, क्या आंसर रखेंगे, बोल बरा। हाँ एच एफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है वाटर के साथ और शो जरूर करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया इज सोल्युबल इन वाटर, अमोनिया तो पानी में सोल्युबल है बट PH3 फॉर्म्स बबल्स इन वाटर, क्या बोलेंगे इसके भी आंसर। NH3 जो है पानी के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रहा NH3, एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, एच पे पॉजिटिव, एन पे थ्री नेगेटिव, यहाँ पे एच पे पॉजिटिव, ओ पे टू नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ आया कि नहीं। अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर बट PH3 फॉर्म बबल्स इन वाटर, सेम आंसर समझ आ गया कि नहीं है, क्योंकि तो अमोनिया जो है पानी के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए जरूर दोबारा। ये मैंने अभी तक कितने बना लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर, पांच हो गए कि नहीं, तीन तो HF का HF के साथ, NH3 NH3 के साथ, H2 H2 के साथ, और दो दो किसके वाटर के साथ, NH3 का वाटर के साथ और HF का वाटर के साथ। तो ये तुम्हें समझ आ गया सॉल्युबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे इथेनॉल, ध्यान देना इथेनॉल या, और इसी का मैंने आइसोमर लिया CH3 OCH3, इन दोनों में बताओ किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ और कौन पानी में सॉल्युबल है, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ दोनों में, मतलब बहुत इजी है ये। इथेनॉल का तो बॉइलिंग पॉइंट देखोगे ना तो ये आएगा लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पानी से कम है, लेकिन तुम अगर डाइमिथाइल ईथर का देखोगे तो उसका सिर्फ आएगा 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर के से ज्यादा, मतलब जो गर्मियों में टेम्परेचर होता है वो आ जाएगा। तो क्या रीजन आएगा, क्योंकि क्योंकि इथेनॉल में ओ के साथ एच आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या इसमें ओ के साथ एच आ रहा है, इधर में ओ के साथ क्या आ रहा है, दोनों साइड सी सी के साथ एच आ रहा है ना, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये दिखाना तुम्हें, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल का आर क्या है, C2H5, ये इथेनॉल आर क्या है, आर क्या है यहाँ पे C2H5, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ईथर में तो नहीं हो पाएगी ना, ईथर में तो आर ओ आर है, आर के ओ के साथ एच तो नहीं आ रहा ना, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वही बात की नहीं है मनी, ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ओ के साथ एच आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओ के साथ एच आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल में ओ के साथ एच आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ईथर में ओ के साथ एच नहीं आ रहा, ओ के साथ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ओ के साथ क्या आ रहा है, सी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, ईथर का कम होगा। जबकि तुम चेक करोगे मॉलिक्यूलर मास, इसका भी 46 है और इसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना, 46, दोनों सेम क्या है, आइसोमर, समझ आ गया। अब पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, दोनों सॉल्युबल है पानी के अंदर, पानी के अंदर दोनों सॉल्युबल है, हाँ अल्कोहल ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है, आर ओ एच H2O, इसको ढंग से सीखना ना, होमवर्क जरूर करके आना, आर ओ एच और H2O, अल्कोहल दे आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, ईथर थोड़े कम सॉल्युबल है, क्यों, सीओ बॉन्ड उतना पोलर तो नहीं होगा ना, आर ओ आर H2O, सीओ बॉन्ड, क्योंकि आर ओ आर मतलब सीओ बॉन्ड है, तो सीओ बॉन्ड उतना पोलर तो नहीं होगा ना, इसलिए ईथर कम सॉल्युबल है, लेकिन लेकिन अल्कोहल क्या है, ज्यादा सॉल्युबल, पानी में अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है, ईथर कम सॉल्युबल है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई ये जानता, एक विधि आई है लेवन क्लास वाली, समझ आ रहा है विधि सर, तो अल्कोहल सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ईथर भी सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल ज्यादा है, ईथर कम, वॉल्यूम पॉइंट किससे आ रहा है, एल्कोहल का जा रहा है किससे, ईथर से, याद रहेगा। नेक्स्ट बताओ
ये हो गया एल्कोहल और ईथर। फिर ऐसे ही अमीन्स में पूछ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी करना है, सॉल्युबिलिटी भी करना है, बॉइलिंग पॉइंट भी, स्ट्रक्चर सब बनाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले, और क्वेश्चन बोलते रहना साथ साथ। अब है जैसे अमीन, प्राइमरी अमीन C3H7NH2 होता है, प्रोपेन अमीन, सेकेंडरी अमीन C25NH3S3 है, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन CH3H3N है, सॉल्युबल कौन है वाटर के अंदर, प्रोपेन अमीन, एन मिथाइल इथेन अमीन या ट्राइमिथाइल अमीन, C3H7NH2 क्या होगा पानी, ये क्या हो जाएगा पानी में सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल होगा ये वाला, सॉल्युबल ये भी होगा, और ये वाला ये भी सॉल्युबल, हाँ ये कम हो जाएगा, एन के साथ एच नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट से आ रहा है तो ऑर्डर क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर क्या आएगा, यही ऑर्डर है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन में आर एन एच टू आया, देखो आर एन एच टू ऐसे ही है ना, दूसरा आर एन एच टू क्या हो रहा है इसमें, एन और एस की क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए आर एन एच टू में, आर एन एच टू में एन के साथ दो एच है, दो एच है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, और आर टू एन एच में, ये आर टू एन एच है ना, आर टू एन एच में कितने एच है एन के साथ, एक ही है, इसमें एन के साथ कोई एच है क्या, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है टर्शरी अमीन से, आईपीएससी किया है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है टर्शरी अमीन से, क्या रीजन है, टर्शरी अमीन में देर इज नो एच लिंक्ड टू नाइट्रोजन, सो देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्शरी अमीन, फिर हो नहीं है, ये तो अमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th क्लास में अमीन चैप्टर है, और उनके अंदर उसका क्वेश्चन आता है कि अमीन और सॉल्युबिलिटी, पानी में सॉल्युबल सारे होंगे, सॉल्युबल सब होंगे, आर एन एच टू है ये भी पानी में सॉल्युबल है, आर एन एच टू, एच टू ओ पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं है, अमीन्स आर सोल्ड इन द मार्केट एज देयर 34% एक्वा सॉल्यूशन, अमीन्स आर सोल्ड इन द मार्केट एज देयर 34% एक्वा सॉल्यूशन, रीजन बिकॉज अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, अमीन्स क्या है सॉल्युबल इन वाटर में, समझ गया कि नहीं है, तो ये याद रखना है इसके अंदर, अमीन्स आर सोल्ड इन द मार्केट एज देयर 34% एक्वा सॉल्यूशन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। अब नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ आ गया, एन के साथ जितने एच होंगे उतना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब दिया मैंने फिनॉल, मिथेनॉल और से इथेनॉल, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी क्या होगा इनका, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इनका, 2-3-1 टू थ्री वन, वन को तो लिखना पार्शियली सॉलिबल, वन को लिखना पार्शियली सॉलिबल, जैसे जैसे आर पार्ट बढ़ेगा, आर पार्ट कौन से नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का, नॉन पोलर, आर पार्ट में सी और एच ही तो है, सी और एच तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ना के बराबर है, 2.4 2.1 याद है कि नहीं है, एज आर पार्ट इंक्रीजेस और एज हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीजेस, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्लियर, नॉन पोलर कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड दिस विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल से नहीं बनेगा, बनने देगा, दिस विल रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, क्या क्लियर होगी बात की नहीं है, तो इसलिए फिनॉल क्या होगा पार्शियली सॉल्युबल, बाकी दोनों सॉल्युबल, बाकी दोनों क्या है सॉल्युबल, आर पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, आर पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रहेगा, तो ये याद रखना इसके अंदर। नेक्स्ट एक और दे दिया क्वेश्चन, जैसे ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 1 2 3, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, इथेनॉल, और एक और ले लो फिनॉल, फिनॉल फोर, CCH5OH, क्या है आंसर इसका,
1 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 याद तो गलत मत किया करो। कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड बॉन्डिंग होगी, तीन कार्बन के तीन हो सकते हैं, हर एक क्या करेगा पानी के साथ हाइड बॉन्ड बनाएगा। और दूसरे नंबर पे ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में भी एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड बॉन्डिंग होगी, हर एक ओएच ग्रुप क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। और फिर इथेनॉल और लीस्ट ऑफ फिनॉल, फिनॉल तो क्या होगा पार्शियली सॉल्युबल, याद है कि नहीं फिनॉल क्या होगा पार्शियली सॉल्युबल, क्योंकि इसमें आर पार्ट ज्यादा, आर पार्ट ज्यादा यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा होगा तो नॉन पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, और ये पानी के साथ हाइड्रोबॉन्ड नहीं बनने देगा, पानी के साथ हाइड्रोबॉन्ड नहीं बनने देगा, क्लियर है कि नहीं है? तो ये याद रखना तुम्हें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया जैसे, हाँ ये ले लेते हैं, अब ग्लूकोज आ गया, सुक्रोज आ गया, इनमें तो आर पार्ट बहुत सारा है, इनमें तो आर पार्ट बहुत सारा है, फिर ये पानी में सॉल्युबल क्यों है जबकि इसमें आर पार्ट बहुत है, इलेवन साल कोई बेचा। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सत्तर लिखे ना इसके, चीनी जो है वो तो पानी में सॉल्युबल है ना, तो हाईली सॉल्युबल होती है आयनिक कंपाउंड से कम, नमक से कम, तो ये क्यों सॉल्युबल है जबकि इसमें तो आर पार्ट बहुत बड़ा है। मैं फिनॉल को बोल रहा हूँ पार्शियली सॉल्युबल, और सुक्रोज में तो कार्बन 12 है, क्यों होगी ये? ओएच ग्रुप ज्यादा, जैसे एक मैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ लोगे वैसे। ये है ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्लूकोज का भी है, फ्रक्टोज का भी है, आयडोज का भी है, ग्लूकोज का भी है, बहुत सारे कंपाउंड है स्ट्रक्चर, ये सी सी स्ट्रक्चर होते हैं। मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसका, सी एच ओ एच होल 4 CH2 OH, कितने ओएच ग्रुप्स हैं? पांच ओएच ग्रुप्स है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी कम होगी? बहुत ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, इसलिए ग्लूकोज पानी में सॉल्युबल है। और ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत सारे ओएच ग्रुप होंगे, C12H22O11, ये स्ट्रक्चर किसका है? सुक्रोज का, क्या पता वो उसको माल्टोज बोलते, क्या पता उसको लैक्टोज बोलते, तीनों का एक ही फॉर्म है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, ये तुम बायो मॉलिक्यूल्स को पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। तो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज ये सब क्या है? सुक्रोज क्या है टेबल शुगर, लैक्टोज क्या है मिल्क शुगर, माल्टोज क्या है माल्ट शुगर, दे ऑल आर हाईली सॉल्युबल। क्या रीजन है इसका? ओएच ग्रुप ज्यादा है तो एक्सटेंसिव इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझ गए? नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ग्लिसरॉल आया, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, दे आर हाईली विस्कस लिक्विड्स, दे आर हाईली विस्कस लिक्विड, क्या आंसर आएगा इसका? हाईली विस्कस लिक्विड यानी फ्लो करने में, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, फ्लो करने में बहुत ज्यादा दिक्कत तुम्हें नहीं दिखती, उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखता, दिखता नहीं है ना रेजिस्टेंस में, ग्लिसरीन विस्कस होता कि नहीं? ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड भी विस्कस है, और ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड भी विस्कस लिक्विड है, क्या रीजन आएगा इसका? ओएच ग्रुप बहुत सारा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में क्या होगी बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होगा ज्यादा, रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा होगा इसलिए आसानी से फ्लो नहीं करते, दे आर हाईली विस्कस लिक्विड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक की मैं शो कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पे देखो, सल्फ्यूरिक एसिड ये है सल्फ्यूरिक एसिड, वो के साथ एच, क्या समझ आ गया? तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? हाईली विस्कस लिक्विड है, इसकी ज्यादा है, क्लियर हो गया कि नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे ही सेम फॉस्फोरिक एसिड, तीन ओएच ग्रुप होते हैं, और ऐसे ही ग्लिसरॉल, तीन ओएच ग्रुप, तो ये हाईली विस्कस लिक्विड है, दे ऑल आर हाईली विस्कस लिक्विड। नेक्स्ट मुझे छो ऐसे एक्सटेंट इसका एक मॉलिक्यूल चार्ज है, क्योंकि ऊपर ऊपर साथ ऐसे ही लिंक होता है ना, पर्टिकुलर नहीं होते हैं ना, अच्छा नहीं ऐसे वर्टिकल चार ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट इसके अंदर जैसे बोरिक एसिड, बोरिक एसिड
इसका जैसे बोरिक एसिड को ना वीक एसिड क्यों बोलते, बोरिक एसिड को वीक एसिड क्यों बोलते, व्हाई बोरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज वीक एसिड? पहले तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना, इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, टू डी स्ट्रक्चर है, टू डी स्ट्रक्चर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, टू डी शीट लाइक स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर, टू डी शीट लाइक स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वीक एसिड क्यों है? इट इज ए वीक मोनोबेसिक एसिड, ट्राई बेसिक नहीं है ये, नहीं तुम्हें दिखता है कि तीन ओज ग्रुप है तो ट्राई बेसिक हो गया ये, तीन ओज ग्रुप है। इसमें पूछते हैं इसमें बोरोन की क्या हाइब्रिडेशन है, ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिडेशन है, ट्राई हुआ मैंने पहले बोरोन के साथ तीन सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो गया sp2, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं, दो सिग्मा और दो लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा sp3, sp3 क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, इसमें sp2 और sp3 है, बोरोन sp2 ऑक्सीजन sp3। अब मैंने बोला बोरिक एसिड जो है वीक मोनोबेसिक, तीन ओज ग्रुप्स हैं, तीन ओज ग्रुप्स हैं तो ये ट्राई बेसिक होना चाहिए नहीं? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको मोनोबेसिक, इट इज अ मोनोबेसिक वीक स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि ये H3PO3 जो है वाटर से एक ओ चैन एक्सेप्ट करता है, तो बताता है ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है इसका, तो वाटर से ओ चैन लेता है और BOH4 नेगेटिव प्लस H+ बनाएगा, तो एक ही H+ रिलीज करता है, इसका इन्फेक्टर 1 है, ये मैंने तुम्हें मोल के में भी बताया हुआ है, याद है कि नहीं? इन्फेक्टर कितना इसका 1, H3PO3, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, याद रखना ये ब्रोंचेड एसिड नहीं है, ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड बोला, एनफेक्टर्स का वन है, वाटर से एक वो चाहे इसको एक्सेप्ट करता है और एच प्लस एक रिलीज करेगा, तो इसलिए मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक है। और वीक क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट अपना एच प्लस क्यों रिलीज नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट अपना एच प्लस रिलीज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एच क्या होता है, फंसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसका एच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फंसा रहेगा, इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बन जाता बता देता हूँ मैं, नहीं तो मैं तुम्हें इसको बाद में बताऊंगा, ये ऐसे सेम ऐसे इसकी मिरर इमेज, बस अब ऐसे लगाते रहोगे, ये मैं ऐसे अलग से दिखा रहा हूँ, ये ऐसे लगा दो, ये बना दिया इसका शीट का चित्र बनेगा वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ऐसे लगा दो एच 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 एच, ये बन गया, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इधर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इधर, ये टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इधर ये हाइड्रोजन, अब हर एक का एक एच बच भी गया होगा, देखो इसका एच बचा, ये आगे जाके शीट बनाएगा, उससे लेगा एच, कौन सा बचेगा, ये वाला, ये एच बच गए यहाँ पे, जो आगे जाके क्या करेंगे, जैसे इसका, हाँ इसका ये एच बच गया, उससे लेगा ये एच बच जाएगा, ये एच बच जाएगा, ये एच बच, समझे कि नहीं? ये आगे जाके और स्ट्रक्चर बनेंगे, पूरी शीट फैलेगी ऐसे, तो इसलिए इसके एच कहाँ पे बाउंड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, इसके बाहर नहीं निकल सकते, इस वजह से क्या है ये वीक मोनोबेसिक लुईस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एच अपने लूज नहीं कर पाता है, इसलिए ट्राई बेसिक नहीं है, एच लूज नहीं कर पाएगा ये, इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, और ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, दो तीन बार IIT के अंदर नीट में भी पूछा हुआ है, इसका एसिड करेक्टर बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे, इसका एसिडिक करेक्टर अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे,
बताओ इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे? तो याद है याद है किसी को कि नहीं? हाँ इसका सही। इसको किससे ट्रीट कर देंगे? सिस 1,2-डाइऑल, बोरिक एसिड है ना, इसको सिस 1,2-डाइऑल से ट्रीट कर देंगे, जैसे जैसे ग्लाइकोल से। जैसे जैसे क्वेश्चन आया था IIT 2006 में और बाद में रिपीट हुआ है, एज इट इज नहीं, डिफरेंट फॉर्म में। बीओ होल थ्राइस है प्लस NaOH, यस बीओ एच होल फोर नेगेटिव, बीओ एच होल फोर नेगेटिव ये आ गया। दिस रिएक्शन कैन बी मेड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द एडिशन ऑफ, दिस रिएक्शन कैन बी मेड टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय द एडिशन ऑफ, ऑप्शन दे दिए, ग्लाइकोल बी, कैटकॉल, सी, सिस 1,2-डाइऑल, डी ऑल। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑल आ जाएगा ना, हर एक में सिस फॉर्म में होगा ओ एच, हर एक में क्या होगा? सिस फॉर्म में ओ एच आएगा। इसीलिए अब देखो कैसे इंक्रीज होता है, मैं तुम्हें यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ये याद रहे, स्कूल लेवल पे बिल्कुल नहीं आना ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। बोरिक एसिड का अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं? अगर इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ गया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। और इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ना मतलब ये साइंस दे एनओएच तो है ही स्ट्रॉन्ग बेस, तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन जाएगी। अब इसका एसिडिक करेक्टर कैसे बढ़ेगा? देखो उधर बाय इन चारों में से, इन तीनों में से कोई भी ऐड कर दो, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, कैटकॉल, कोई भी ऐड कर दो इसके अंदर। जैसे मैंने ग्लाइकोल ऐड किया इसके अंदर, एक से मैं बता रहा हूँ, बी, ये ओ एच, ये ओ एच, ये तीसरा ओ एच, यहां डाला ग्लाइकोल, यहां डाला ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल, ये ग्लाइकोल, क्या होगा इसमें? वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, और ये लोन पेयर इसको देगा, क्यों? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। जैसे ये लोन पेयर देगा ओ पे चार्ज क्या आएगा? जैसे लोन पेयर देगा तो ओ पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव आते H+2 है ये वाला कि नहीं? ये H+2 देगा, इसलिए इसका एसिड करेक्टर बढ़ गया। ये बन जाएगा कुछ ऐसे, बी CH2O, CH2O, CH2, CH2O, और यहाँ आया H+, मिल गया H+ कि नहीं? अब H+ मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एसिड करेक्टर इंक्रीज हो गया, इसका एसिड करेक्टर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगी? जब कोई भी सिस 1,2-डाइऑल हो। इसको ढंग से नोट कर लो एक बार, ये 2-3 बार आ चुका क्वेश्चन ये IIT में, इसको ढंग से नोट कर लो एक बार। बोरिक एसिड से रिलेटेड डिटेल नोट कर लिए पूरी। अब ये क्या क्या रहा? विदित में सारा पढ़ा हुआ था, विदित कॉल करना दिक्कत आ रही है। तो ये पहले पढ़ा नहीं, किस पढ़ा? नेक्स्ट है, अभी तुमने पढ़ा HF, HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, HF F नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसमें से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमेट्रिकल होगी? इसमें से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमेट्रिकल होगी? देख के बन रहा है दूसरी वाली रीजन, HF के साथ जब एफ नेगेटिव आया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई,
अगर ये एफ इलेक्ट्रॉन ले जाए तो एफ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये वाला एफ नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा कि नहीं, ये कुछ ऐसी कॉस्ट एच, ये भी एफ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक है, टूट गया, ये भी एफ पे नेगेटिव आ गया, इधर एफ पे नेगेटिव आ गया। अब ये एच पॉजिटिव जो है ये इसके साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बन जाए तो एच एफ और एफ नेगेटिव का, इसलिए इस बॉन्डिंग को जब इसका इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है ना वो यही आती है। यही स्टेट आती है, इसमें बनता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड। देखो इधर भी एफ नेगेटिव है, इधर भी एफ नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ जो बॉन्ड बने स्ट्रॉन्ग, और इसकी स्ट्रेंथ होती भी इतनी है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है 200 किलो पर मोल के आसपास होती है इस वाले की, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें अनसिमेट्रिकल होगा, इसमें नहीं होगा ऐसा कि अलग हो जाए, इसमें अलग नहीं होगा, तुम खुद सोच के देखो, अगर एफ नेगेटिव जल्दी लोन पेयर देगा एच पॉजिटिव को, या एच एफ का एफ देगा लोन पेयर, कौन सा देगा, एफ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज जल्दी देगा कि नहीं है, इसलिए सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसके क्या बनेगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर है कि नहीं है, तो ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर बनता है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा, और इसके अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं। क्यों, थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्यों कहते हैं इसको, यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है कितने का सेंटर है, ये तीन का, दो एफ एम और एक एच एम, तीन का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन तो इसी बॉन्ड के अंदर है ना, दो इलेक्ट्रॉन तो इसी बॉन्ड के अंदर दो है, दो इलेक्ट्रॉन और तीन का सेंटर, क्या बोलेंगे इसको, थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, जैसे ये नॉर्मल बॉन्ड है तो ये दो का सेंटर है, दो ही इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको 2C2E कहते हैं, नॉर्मल जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, 2C2E, लेकिन यहाँ क्या बना है, 3C2E। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर, ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर डिटेल में होगा ये, B2S6 में, डाइबोरिन के अंदर डिटेल में होगा ये, समझ गए कि नहीं है, डाइबोरिन के अंदर डिटेल में बता दूंगा तुम्हें मैं। तो यहाँ पे 3C2E बॉन्ड है, और नॉर्मल बॉन्ड जो होता है वो 2C2E होता है, ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन और, ये सब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड डिटेल तुमने सुनी भी होगी, जैसे क्या कहते हैं, दो आइस क्यूब को हम अगर क्या कहते हैं अटैच करने की कोशिश करेंगे, अटैच करोगे ना तो अटैच हो जाती है वापस, कैसे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है। इथाइन जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इथाइन ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा, इथाइन ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा, वाटर के अंदर, एल्कोहल के अंदर, एसीटोन में, या ऑल, इथाइन इज मोर सॉल्युबल इन एसीटोन। इथाइन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं, नहीं होगी, इसमें एच एच है ना दोनों साइड, अब कैसे कर लोगे दूसरे इथाइन से, क्या इधर एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं हो पाएगी इथाइन के, है ना, इथाइन की एच के साथ नहीं, वाटर के साथ हो सकती है, वाटर के साथ ऐसा नहीं है नहीं हो सकती, वाटर के साथ तो ये दिखा दिया मैंने, हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड, हो गई कि नहीं, तो पानी में सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन तुम एक चीज सोच के देखो, पानी के अंदर सॉल्युबल होने के लिए इसको पानी के अंदर जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं उनको तोड़ना पड़ेगा ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इथाइन उतना सॉल्युबल नहीं होगा वाटर के अंदर, समझ रही बात नहीं है, ना वाटर के अंदर ना एल्कोहल के अंदर, क्योंकि उनके अंदर खुद पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन एसीटोन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, एसीटोन में पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि तो ओ के साथ एच नहीं है इसमें, एसीटोन ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है ना एसीटोन, तो ये एसीटोन है, तो इथाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नहीं, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इथाइन क्या है, इट इज मोर सॉल्युबल इन एसीटोन, ये ज्यादा सॉल्युबल है एसीटोन के, नेक्स्ट नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टीज डिटेल बहुत रह रही है, मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है अभी, डिटेल सी रह रही है अभी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी डिसोसिएशन, मैं करा चुका तुम्हें, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी हो चुकी है कि नहीं, मैंने भी बताया ना KHF2 एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF,
Therefore, it dissociates to give K plus and HF to negative ions, but not KHCl. ये तो नहीं डूबता ना, ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिसोसिएशन। KHF2 एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF बट नॉट KHCl2। बी पार्ट एसोसिएशन। एसिटिक एसिड का मास अगर मेजर करोगे ना, एसिटिक एसिड का मास अगर मेजर करोगे बेंजीन के अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेंजीन में नेप्थिलीन, तो डबल आता है देन एक्सपेक्टेड। मास होता है इसका एसिटिक एसिड का 60, इसका मास 60 है ना, लेकिन जब मेजर करते हैं बेंजीन के अंदर या नेप्थिलीन में तो डबल आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डाइमर। ये नेप्थिलीन के अंदर या बेंजीन में क्या बना देता है? डाइमर बना देता है इस तरह से। ये बन गया डाइमर। एसिटिक एसिड इज एसोसिएटेड इन बेंजीन एंड हेंस ए डाइमर इज फॉर्म। इसलिए इसका मास 60 की कितना आएगा? 60 की कितना आ जाएगा? 120। तो ये अपना इसका मास जो है 60 की आएगा 120। इसका मास 60 का क्या आ जाएगा? 120। 120 मास आ जाएगा इसका। एसिटिक एसिड इज एसोसिएटेड इन बेंजीन। नेक्स्ट, देना एसिड का डाइमर बनता है। बोरिक एसिड भी डाइमर भी बनाता है। H3PO3 जो बने पॉलीमर बनाता है, टू डायमेंशनल सी स्ट्रक्चर, ऐसे वो डाइमर भी बनाता है। फिर इसके अलावा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। बढ़ चुके हो ना तुम। सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर होगा कि नहीं? अगर सॉल्युबल है कोई चीज पानी के अंदर तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दिखाना है? वाटर के साथ। और अगर बॉलिंग पॉइंट जा रहा है तो क्या दिखाएंगे? सेल्फ के साथ। वाटर के साथ है तो हेट्रो हेट्रो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेल्फ के साथ है तो होमो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्राइड से रिलेटेड डिटेल वो बताऊंगा। अभी यहीं तक करना, यहीं याद कर लो, यहीं तक याद कर लो।